60 लाख कंकालों से तैयार की गई है ये सुरंग। इस दुनिया में एक ऐसी सुरंग भी है जिसे तकरीबन 60 लाख कंकालों से तैयार किया गया है। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद है ये अद्भुत सुरंग। मानव कंकालों से बनी ये सुरंग कैटाकॉम्ब नाम से मशहूर है। कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस की लंबाई तकरीबन 320 किलोमीटर है। आपको हैरानी होगी कि कैटाकॉम्ब के अंदर का तापमान लगातार 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये तकरीबन 65 फीट भूमिगत है। हालांकि कैटाकॉम्ब को विजिटर्स के लिए अभी पूरी तरह से खोला नहीं गया है, लिहाजा सैलानी इस सुरंग के कुछ ही हिस्सों को देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में निर्मित इस कैटाकॉम्ब में लगभग 6 मिलियन पारसियों के अवशेष हैं, जिनकी अस्थियों को 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य कब्रिस्तानों से निकालकर यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। दरअसल कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने पर शवों को भूमिगत खदानों में डलवा दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 लाख शवों को इस भूमिगत सुरंग में दफनाया गया था। सन 1780 में पादरी ने सलाह दी थी कि इन कंकालों को दीवार नुमा आकृति में बना दिया जाए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। कैटाकॉम्ब के दोनों तरफ शवों के हड्डियों को विधिवत तरीके से रखा गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। कैटाकॉम्ब को आधिकारिक तौर पर 1809 में जनता के लिए खोला गया था। तब से ये जगह एक पॉपुलर पर्यटन स्थल बन चुका है। कैटाकॉम्ब को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में मृतकों की हड्डियां और खोपड़ियां रखी गई है। सैलानियों के लिए ये सबसे अधिक देखे जाने वाला हिस्सा है। इस सुरंग के दूसरे हिस्से में तहखाना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस सुरंग में सिनेमा हॉल के अलावा बार तथा रेस्टोरेंट भी बनाया गया था। कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस सैलानियों के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। सप्ताह में केवल सोमवार को ये पर्यटन स्थल बंद रहता है। सुरंग में जगह की कमी के कारण ये केवल 200 लोगों तक के लिए ही सीमित है। इससे ज्यादा संख्या में टिकटों की बुकिंग नहीं की जाती है। शाम 7 बजे के बाद टिकटों की बुकिंग बंद हो जाती है, इसलिए आप कभी भी भूलकर शाम 7 बजे के बाद मत जाइएगा, अन्यथा आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। कैटाकॉम्ब में बच्चों के लिए विशेष नियम बनाया गया है, जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ एक वयस्क का होना जरूरी है। हृदय रोगी, स्वास्थ्य पीड़ित तथा अवसादग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी ये सुरंग प्रतिबंधित है। कैटाकॉम्ब में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी टॉयलेट रूम नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैटाकॉम्ब का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए यहाँ पर गर्म कपड़े पहनकर ही आएं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 60 लाख कंकालों से बनी इस यूनिक सुरंग के रहस्यों को लेकर अभी भी शोध जारी है। ऐसे में आपकी क्या राय है?